मौलाना जी, ये एक फतवा निकला है जिसमें ये बोला जा रहा है कि आप बाल नहीं कटवाइए, आईब्रोज नहीं बनवाइए, ये जो एक बेसिक राइट है इस पे इंफ्रिंजमेंट नहीं है ये? देखिए मैम, ऐसा है, ये फतवा निकाला नहीं गया, ये फतवा एक सवाल का जवाब है जो आप लोग टीवी वाले बार बार इस बात को, फतवे को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फतवा निकाला नहीं जाता, फतवा तो खुद ब खुद एक सवाल होता है, उसका जवाब दिया जाता है। तो जी, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं जैसे कि क्या बाल कटवाने चाहिए, अगर एक मुस्लिम लेडी है तो क्या उन्हें ये हक है कि वो बाल कटवाएं और वो पार्लर जाएं और वो जैसा दिखना चाहती है क्या वो खुद डिसाइड कर सकती हैं? अगर ये मैं आपसे पूछूं तो आपका क्या जवाब होगा? मैं बता रहा हूँ, इस्लाम में औरत का जो भी सजना संवरना है वो सिर्फ उसके शोहर के लिए है। अगर औरत अपने शोहर के लिए बाल कटवाती है तो जायज है, अपने शोहर के लिए आईब्रो बनवाती है तो जायज है, लेकिन औरत अगर ये बनाओ सिंगार गैर मर्दों के लिए करती है, बाजार में जाने के लिए करती है, या किसी शो में जाने के लिए करती है, या किसी ऐसी महफिल में जहां अजनबी उसको देखें, तो ऐसी सूरत में उसका बाल कटवाना, उसका आईब्रो बनवाना जायज नहीं है, क्योंकि इस्लाम ने औरत को बाल के साथ में जीनत बख्शी है और मर्द को दाढ़ी के साथ में जीनत बख्शी है। इसीलिए मर्द का दाढ़ी कटवाना गुना है, औरत का बाल कटवाना गुना है, ये इस्लाम है। लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि अगर कोई आदमी इसको नहीं मानता तो वो ना माने, कोई डंडा लेकर उसको मनवाने के लिए नहीं बैठा हुआ है कि भाई आपको मानना ही पड़ेगा, ये इस्लाम है। इस्लाम को जो मानेगा वो मुसलमान कहलाएगा, जो इस्लाम को नहीं मानेगा ना माने, उस पर कोई जोर नहीं है। मौलाना जी, आप कह रहे हैं कि ये जो है ये कुरान में लिखा गया है कि आप बाल नहीं कटवा सकते और आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप कैसा दिखना चाहते हैं? आप ये क्यों कह रही हैं कि आप बाल नहीं कटवा सकते, कुरान में लिखा है? मैंने आपको शरीयत बता दिया है कि इस्लाम ये है, और सारी चीजें कुरान में नहीं लिखी हुई हैं, हदीस और फिका। इस्लाम जो है तीन चीजों का नाम है, कुरान, हदीस और फिका। इन तीनों चीजों को मिलाकर जब हम देखते हैं तो इस तरह की बातें सामने आती हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के लिए बाल, सर के बाल उसकी जीनत है, और बनाओ सिंगार जो भी जेबो जीनत है वो सिर्फ उसके शोहर के लिए है, शोहर के अलावा अगर करती है तो वो गुनाह करती है। तो ये शरीयत के टाइम में, आज के टाइम में ऐसी ऐसी कई जगह हो सकती है जहां आपको जाना पड़े, जहां पे शायद आपके शोहर आपके साथ ना हो, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या अगर आप रिलेटिव से मिल रहे हैं अपने, तो भी आप ये सब कुछ नहीं कर सकते अगर आपके शौहर आपके साथ नहीं है तो? देखिए, मैंने आपको इस्लाम बताया है कि इस्लाम में बाल कटवाना जायज है या नाजायज है। अब जो भी आदमी उसको करना चाहता है, जो भी औरत उसको करना चाहती है वो करे, अल्लाह से उसका जो मामला है अल्लाह समझेगा। हम उसको नहीं कह सकते कि आप क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये हमारे कहने का मतलब नहीं है। ये हम सिर्फ ये बताते हैं कि इस्लाम ये है, शरीयत ये है, और यही उस फतवे में कहा गया। जब किसी ने एक सवाल पूछा कि क्या औरत का बाल कटवाना जायज है, तो मुफ्ती साहब ने लिख दिया है कि औरत का बाल कटवाना नाजायज है, गुनाह है, समझे। उसके अलावा जो 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 टीवी पर एक प्रोपेगेंडा चलता है इस्लाम और फतवों के खिलाफ, मैं उसको कंडम करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हंटर लेकर कहा जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो एक इस्लाम है, शरीयत है, कोई माने तो ठीक है, नहीं माने तो उसकी मर्जी। मौना जी, एक मिनट आप रुकिए, हमारे साथ फोन लाइन पे योगिता बयाना जी भी जुड़ी हुई है। योगिता, इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क द मौलाना जी? ऑफ कोर्स, ही इज रिलीजियस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क, हु डिफाइंस इस्लाम? मौलाना जी, इस्लाम को डिफाइन कौन करता? आपने बोला इस्लाम में लिखा हुआ है, आपने बोला इस्लाम ये कहता है, इस्लाम वो कहता है, ये कहाँ से आया कि इस्लाम में ये लिखा हुआ है? आप बता सकते हैं आपके पास क्या लिखित में है कि ऐसा लिखा था कि कितने सालों पहले लिख दिया था कि आईब्रोज सब तक बनी हुई थी, आप लिख दिया था कि आईब्रोज नहीं बनाएंगे, बाल नहीं कटवाएंगे, ये चरित्र में जो आप महिलाओं को बांध देते हैं इन सब छोटी छोटी चीजों को लेकर, अपने शौहर के लिए है, आप तो वो उसके लिए है, पर अगर वो महिला अगर बाहर निकल रही है तो उसका कोई मतलब उसका चरित्र भी आ जाते हैं, इससे चरित्र का क्या लेना देना है? क्या मैं अपने लिए सच चला नहीं सकती हूँ, क्या दूसरे मर्दों के लिए नहीं? आपका सवाल हो गया, आप सवाल कर रही हैं मुझसे या मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं? आपको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों की समझ नहीं। मैं आपके समझाने में क्यों आऊंगा भाई? नहीं, आप कौन होती है मुझे समझाने वाली? आप बताइए ना, कहाँ इस्लाम में लिखा हुआ? नहीं, आप कौन होती है मुझे समझाने वाली? आप मुझसे सवाल कर सकती हैं? अच्छा, नहीं नहीं, आप मुझे ये बताइए, हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि औरत बाल कटवा सकती है? हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि औरतों का आईब्रो बनवाना चाहिए?
हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि औरतों को टाइट कपड़ा पहनना चाहिए? हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि औरत को जींस और पैंट पहन के निकलना चाहिए? हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि नाच गाना करना चाहिए औरत को? हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि औरत को जॉब करना चाहिए? मुझे बताइए योगिता जी, नहीं है ये धर्म नहीं कर रहे हैं। इस्लाम धर्म से प्रॉब्लम है? वो मुस्लिम महिला हो चाहे वो हिंदू महिला हो, आप कौन होते हैं हमें धर्म समझाने वाले? भाई आप कौन होते हैं हमें धर्म समझाने वाले? जो दुनिया में बेशर्मी बेहयाई फैलाने वाले लोग हैं वो हमें धर्म समझाएंगे? वो हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है? महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करिए। मुस्लिम महिलाएं मेरी बहनें हैं, उनके काम करती हूँ। होता है हिंदुस्तान का एक कल्चर है, हिंदुस्तान का एक कल्चर है, हर आदमी का एक धर्म है, धर्म को आदमी फॉलो करता है, धार्मिक चीजों को फॉलो करता है। आप क्या कहते हैं कि सारे लोग नंगे हो जाएं? कहाँ लिखा है? क्या कहते हैं हमारी सारी माँ बहनें घरों से निकलकर आपकी तरह जो है डांस करती फिरें, जॉब करती फिरें, दुनिया के साथ गैर महरम लोगों के साथ मिलती फिरें? बिल्कुल अपना अच्छा कर रहे हैं आप, बताइए आप कौन है हमारी औरतों को इस तरह बरगलाने वाली? अरे आपको जो करना है वो कीजिए, ऐसा नहीं है हम वो मेरे आपको जो करना है वो कीजिए ना। आप कौन होती है हमारी औरतों को बरगलाने वाली? भाई कौन बरगला रहा है? वो खुद अपने अधिकारों के लिए बात करें। आप बरगलाने और बोलिए, अच्छा है आपकी है मुझे और बोलिए है कौन? आप बोलिए, हम चाहते हैं मैं महिला हूँ देश की, हम लोग सब महिलाएं हैं, 50% आबादी है। अगर आप हिंदू होकर हिंदू धर्म फॉलो नहीं करते, ये आपका अपना अधिकार है, मत कीजिए। धर्म से मत जोड़िए, ये महिलाओं के अधिकारों की बात है, ये तो आपकी प्रॉब्लम है। आप महिलाओं के अधिकारों, मानव अधिकारों को धर्म से जोड़ देते हैं। टीवी पर आप अधिकारों को तमाम औरतों को बरगलाने की बातें करती हैं और चाहती हैं कि आपके बोलने से आपकी हाँ में हाँ करें। प्लीज आप बोलिए, आपके बोलने से हमारे आपके खुलते हैं, आपके विचार नहीं। आप मुझे समझाना चाह रही हैं? योगिता 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 जस्ट हैंग ऑन। मौलाना जी, योगिता जो बात कह रही हैं वो अगर मैं एक लाइन में आपसे पूछूं कि अगर मैं एक औरत होके एक राइट की बात करूं जो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या उसके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट नहीं है? ये किसी और को डिक्टेट करना कि मुझे कैसा दिखना चाहिए, कैसा नहीं दिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं अपनी बुद्धि से नहीं सोच सकती हूँ। क्या किसी फतवे की जरूरत है मुझे? नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपको साफ कहा है कि हम डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि शरीयत ये है, इस्लाम ये है। अब कोई मानता है तो माने, नहीं मानता है तो ना माने। अब उसमें समझाने की जरूरत क्या है कि आपने कैद कर दिया औरतों को, आपने जो है और घरों में ला के छोड़ दिया, आप बुरके की बात करते हैं, आप इस पर बात करते हैं, आप उस पर बात, ये कहने की जरूरत क्या है शाही भाई? अच्छा मौलाना जी, मैं एक उल्टा सवाल पूछती हूँ आपसे। हाँ पूछिए। एक जनाब ने आके ये पूछा कि क्या औरतें बाल कटवा सकती हैं, क्या औरतें पार्लर जा सकती हैं, क्या औरतें आईब्रोज बनवा सकती हैं? इसका जवाब उल्टा नहीं हो सकता था कि एक फतवा ऐसा निकले कि औरतें जो करना चाहें वो कर सकती हैं? क्यों धर्म से हटकर फतवा दे देंगे हम? आप क्या चाहती हैं कि हम धर्म को छोड़कर अधर्मी बन जाएं? नहीं, धर्म को छोड़ने की बात नहीं हो रही मौलाना जी, मैं ये नहीं, देखिए नहीं, धर्म आप अगर हिंदू हैं तो धर्म की वजह से हैं, मैं अगर मुसलमान हूं तो धर्म की वजह से हूं, एक आदमी सिख है वो तो धर्म की वजह से है, ईसाई है तो धर्म की वजह से है, क्या हम धर्म को छोड़ दें? मौलाना जी एक औरत नहीं, मौलाना जी एक औरत 5 समय नमाज पढ़ती होगी, वो बिल्कुल सब कुछ मानती होगी जो कुरान में लिखा है, वो अल्लाह को बिल्कुल मानती होगी, लेकिन वो ये सब भी करना चाहेगी, तो क्या आप ये बोलेंगे कि तुम नमाज तो पढ़ती हो 5 वक्ता ठीक है, लेकिन तुमने बाल कटवा लिए तो तुम मुसलमान नहीं हो? कहना चाहता हूँ मैडम, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हम नहीं कह रहे हैं, ये तो इस्लाम है जो मोहम्मद साहब ने कहा, जो कुरान की तरफ से हमें मिला, वो शरीयत की तरफ से जो हमें मिला, जो हमारा धर्म है, जो हमारा दीन है, जिसको हम फॉलो करके मुसलमान हैं, उसी की तरफ से ये बात कही गई है। अगर कोई मानता है तो वो माने, ना मानता है तो ना माने। डंडा लेकर तालिबानी फरमान जारी नहीं किया ये कि आपको जो है हंटर मारे जाएंगे अगर आप नहीं करोगे तो। ये एक सवाल था, उस पर एक जवाब दे दिया गया। अब इसको इतना बड़ा तूल देना कि साहब इस्लाम ने या मुसलमान ने औरतों को कैद कर दिया है, मैं आपको बता दूं, अंग्रेज हिंदुस्तान से चला गया लेकिन आपने अपनी सारी सभ्यता यहाँ छोड़कर चला गया, जो आज टीवी वाले उसको प्रमोट कर रहे हैं, यानी हर औरत उनके रंग में रंग जाए, हर औरत नाचने गाने वाली बन जाए, हर औरत जो है टाइट कपड़े पहन के निकले, हर औरत जो है दिन रात जो चाहे करे, कोई उसको टोकने वाला ना हो, कोई उसको रोकने वाला ना हो, अगर कोई रोकेगा
तो वो उसको कैदोबंद में डालेगा, वो उसको पाबंद करेगा, वो उसको बुरा करेगा। तो ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं भाई आप? धर्म को तो छोड़ दीजिए कम से कम। मौलाना जी, धर्म को छोड़ के ही तो मैं धर्म को छोड़ के ही तो आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि हो सकता है ये, आप धर्म को लेकर डिबेट करने बैठ जाते हैं। मौलाना जी, धर्म की बात नहीं है, एक बेसिक राइट जो है कि मैं अपनी बुद्धि से सोच सकूं कि मुझे क्या करना है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। बेसिक राइट धर्म से बढ़कर नहीं है। बेसिक राइट, अगर मैं मुसलमान हूँ तो मुझे धर्म को मानना पड़ेगा, इस्लाम धर्म को। नहीं मानूंगा तो मुसलमान कैसा? अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म को मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो फिर हिंदू कैसे? लेकिन मौलाना जी, मैं आपसे फिर वही सवाल पूछती हूँ कि मानिए आप, मैं आपको बोलती हूँ कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ, मैं वो सब कुछ फॉलो करती हूँ, लेकिन आज के दौर के अंदर मैं बस बाल कटवाना चाहती हूँ या मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, ना किसी ना अपने शौहर के लिए, ना अपने दोस्तों के लिए, बस खुद के लिए, अगर मैं खुद के लिए काम करना चाहती हूँ तो ये धर्म के अगेंस्ट कैसे हो गया? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो ऊपर बैठा है वो मुझे नहीं, वो जो ऊपर बैठा है, मौलाना जी बस आप मेरी बात सुनिए, वो जो ऊपर बैठा है, जो हम सबको देख रहा है, आप अल्लाह का नाम देना चाहे अल्लाह का नाम दीजिए, जीसस क्राइस्ट का नाम देना चाहे क्राइस्ट का नाम दीजिए, राम का नाम देना चाहे राम का नाम दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि वो जो ऊपर बैठा है वो मुझे इस चीज से जज करता है कि मैं कैसी दिखती हूँ, कि मैं बाहर जाती हूँ कि नहीं जाती? आप कह रहे हैं कि उस पर मुझे जज किया जा रहा है, वो मुझे जज कर रहा है? लोगों को तो छोड़ दीजिए, आप बोलिए मुझे कि अल्लाह जो है वो आज नहीं, अल्लाह आज एक मुस्लिम औरत को उस चीज से जज करते हैं कि वो क्या पहनती है, कैसी दिखती है, किससे बात करती है, क्या अल्लाह ये ऐसे जज करते हैं मौलाना जी? आप सुनिए मेरी बात, देखिए इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है, सुनिए, इस्लाम ने औरत को ये कहा है कि अगर औरत धर्म को पालन करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। माँ सबसे पहला स्कूल है, सबसे पहला मदरसा है बच्चों के लिए, वही माँ होगी ना जो माँ सभ्य माँ होगी, जो अपनी अपनी तमाम सीमाओं को नहीं लांघेगी, उसी माँ के लिए है ना ये चीजें। जो माँ अपने बच्चों को टाइम ना दे सके, जो माँ अपने बच्चों को दूध ना पिला सके, जो माँ अपनी बॉडी की फिक्र करके अपने घर में सारा टाइम ना दे सके, उस माँ के लिए कैसे सभ्य समाज के लिए एक बात कही जा सकती है? और दूसरी बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, कुछ योहन्ना एक साहब हुए हैं, सुकरात हुए हैं, उदेश जान डिसिप्लिन हुए हैं, आप अगर इनके इनके वक्तव्य को देखें, कोई कहता है औरत दोजख की चौकीदार है, कोई कहता है कि जितने जलील मर्द हैं वो तमाम के तमाम नतायज के आलम में औरत बन जाते हैं, कोई कहता है औरत शैतान की एजेंट है, कोई कहता है औरत शरू फसाद की बेटी है, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि जो जो आदमी जिसकी यहाँ बेटी पैदा हो और वो उसकी सही परवरिश करे तो वो आदमी सीधा जन्नत में जाएगा। औरत को इतना बड़ा मकाम दिया है इस्लाम ने, और औरत को इतना बड़ा मकाम जी 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 मौलाना जी, मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ, अब थैंक यू वेरी मच।